गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम इंग्लिश लैंग्वेज का चैप्टर 25 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है आस्किंग क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चन पूछना। रीड दिस सेट ऑफ सेंटेंस। द टाइगर इज रोरिंग। इज द टाइगर रोरिंग? जब हम ईच को मतलब वर्ब को बाहर ले आएंगे और लास्ट में बाकी सेंटेंस को जैसे ऐसे लिख देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये पहला आंसर दिया द टाइगर इज रोरिंग, मतलब टाइगर चिल्ला रहे हैं, आवाज़ कर रहा है। इज द टाइगर रोरिंग, मतलब क्या टाइगर रोर कर रहा है। हैनरी इज लेट, हैनरी लेट है। इज हैनरी लेट, क्या हैनरी लेट है। जब हम ईच को बाहर निकाल देते हैं तो इसमें एक क्वेश्चन बन जाता है। द फर्स्ट सेंटेंस इन ईच सेट इज ए स्टेटमेंट एंड द सेकेंड सेंटेंस इन ईच सेट ऑफ क्वेश्चन इज ए क्वेश्चन, है ना। पहला दो ये सेंटेंस है और सेकेंड वाला क्या है, क्वेश्चन। ए क्वेश्चन इज ऑलवेज फॉलोड बाई क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लास्ट में दिया जाता है तब हम पता लगता है कि क्वेश्चन है। लेट अस लुक हाउ वी कैन चेंज ए सेंटेंस इनटू ए क्वेश्चन। एक सेंटेंस को हम एक क्वेश्चन में कैसे बदले देख लेते हैं। दे आर ईटिंग, आर दे ईटिंग, जब हम दे को बाद में और आर को पहले लिख देते हैं तो ये क्वेश्चन में चेंज हो जाए। जैसे कि वेयर वी वेर लेट, वेयर वी लेट, जब हम इसको पहले ले आते हैं और सेकेंड वाले वर्ड को पहले और फर्स्ट वाले वर्ड को सेकेंड में ले आते हैं तो ये सेंटेंस पर सॉरी क्वेश्चन में चेंज हो जाता है। जैसे कि नीता वॉज सिंगिंग, वॉज नीता सिंगिंग, दे विल वेक अप, विल दे वेक अप। ओके, अच्छे समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे एक सेंटेंस को क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं। However, we use other words as well to ask a question. और कुछ भी यूज़ करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, जैसे कि वॉट इज़ योर नेम, ये क्वेश्चन है, ये फंक्शन है, किस लिए काम करता है, आस्किंग फॉर इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन जानने के लिए यूज़ किया जाता है। वॉट, वैन विल यू कम, वैन मतलब कब, टाइम पूछना। हु इज एट द डोर, कौन है। वॉट और विच पर्सन, वेर आर यू गोइंग, कहाँ जाना, प्लेस और पोजिशन। वेर, वाई आर यू क्राइम, रीजन पूछना। हाउ आर यू फीलिंग, asking about a condition। How many cats do you have, ये countable noun। How much मतलब uncountable, quantity जानने के लिए। ओके, देन नंबर ए, टेक द करेक्ट ऑप्शंस। जैसे यहाँ पर दिया, what are your plans for weekend, weekend के लिए आपका क्या plan है, क्या के लिए what का use होता है। What, when, where is my gold watch, where मतलब मेरा gold watch कहाँ पे है, जगह पूछने के लिए। What, when, where is the time, what, वट इज़ द टाइम, टाइम क्या है। हाउ, हाउ मैनी, हाउ मच पीपल हैव यू इन्वाइटेड, हाउ मैनी पीपल, कितने लोगों को तुमने बुलाया है। हाउ, हाउ मैनी, हाउ मच इज योर सिस्टर डूइंग, हाउ तुम्हारे सिस्टर कैसे कर रही है। वट, वैन, वेयर इज विल प्रज्ञा रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, वैन कब आएगी वापस। हाउ, हाउ मैनी, हाउ मच मनी डू यू हैव, हाउ मच मनी अनकाउंटेबल में लिया जाता है। What, when, where was Chirag doing last evening? ये What, क्या कर रहा था last evening? What, when, where is Rehan going to Kathmandu? When? Okay, then number B, change the sentence statements to question। इसको हम change करेंगे, हमें पहले पढ़ लिया कैसे second word को हम पहले निकाल के और फर्स्ट को सेकंड में करके हम क्वेश्चन एक्सचेंज करते हैं। मतलब जैसे कि बॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट, ईच बॉबी प्लेइंग क्रिकेट, देन क्वेश्चन मार्क। नंबर टू, द लायन वाज हंग्री, वाज द लायन हंग्री, देन क्वेश्चन मार्क। ये बन गया हमारा क्वेश्चन। प्रीति इज लिसनिंग टू म्यूजिक, ईच प्रीति लिसनिंग टू म्यूजिक, ये हमारा बन गया क्वेश्चन। जब हम इसको बाहर और प्रीति को अंदर कर दिए तो द एप्पल्स आर फ्रेश, आर द एप्पल्स फ्रेश, वी विल गो टू द मार्केट, विल वी गो टू द मार्केट। द रोड हैज बीन रिपेयर्ड, हैज द रोड बिन रिपेयर्ड। वत्साला इज रीडिंग अ मैगजीन, ईच वत्साला रीडिंग अ मैगजीन। देयर वॉज अ पार्टी लास्ट नाइट, वॉज देयर ए party last night,
द सिटी इज हैपिली पॉल्यूटेड. इज द सिटी हैपिली पॉल्यूटेड. द डॉग्स वेर स्विमिंग इन द पॉन्ड. वेर द डॉग्स स्विमिंग इन द पॉन्ड. ओके, देखा आपने कैसे हम एक स्टेटमेंट्स को या फिर एक सेंटेंस को कैसे क्वेश्चन में बदल सकते हैं. ओके, ये बहुत ही ईजी है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. तो आज के लिए बस इतना ही. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.